वेलकम बैक गाइस, आप सबका स्वागत है डिज़ाइन बाय रेंट में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक प्रॉपर्टी टूर जो जोधपुर के झालामंड एरिया में है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है एंड आप सबको पसंद आएगी। आइए प्रॉपर्टी टूर स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब करें डिज़ाइन बाय रेंट को ऐसे और प्रॉपर्टी टूर्स के लिए। ये प्रॉपर्टी आपके छोटे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। इस प्रॉपर्टी में दो रूम्स है। ये घर की एंट्रेंस है जहाँ पे आपको एक कार की पार्किंग और दो बाइक्स की पार्किंग मिल जाती है। इस घर में आपको ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल मिलेगा रेंट के लिए, और ये आपको एक छोटा सा गार्डन मिलेगा जिसमें आप अपने हिसाब से फ्यूचर में प्लांट्स और ग्रो कर सकते हैं। घर के अंदर एंटर होते ही आपको एक ड्राइंग रूम मिलेगा जहां आपके गेस्ट आके बैठ सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी फुल्ली फर्निश्ड मिलेगी आपको। अब हम आते हैं घर के हॉल में जहाँ पे आप डाइनिंग और लिविंग एरिया है, और यहाँ पे भी आपको सब पंखा वंखा सब लगा हुआ मिलेगा। और ये आती है घर की किचन जो फुल्ली फर्निश्ड है, फैन लाइट्स एंड फ्रिज सब कुछ आपको वैसे के वैसा ही मिलेगा। आपको मैं बता दूँ ये प्रॉपर्टी फुल्ली फर्निश्ड मिलेगी आपको। ये पहला रूम है जो कि बेड वेड और सब चीज़ों के साथ आता है, वार्डरोब फैन, और एक रूम में आपको एसी भी मिलेगा। इस रूम से अटैच्ड पीछे गली दी गई है जो आपके वॉशिंग एरिया, और इसके अंदर ही इन्होंने मंदिर बना रखा है। ये रूम से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पे आपको एक बाथरूम मिल जाएगा जो कि कॉमन बाथरूम रहेगा। आइए अब दूसरा रूम देखते हैं। इस रूम के अंदर आपको एसी और इसके साथ आपको टीवी भी मिलेगा, मैट्रेस एंड सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। जो आपको ये घर की कंडीशन दिख रही है ये आपको सब कुछ रेंट के टाइम में आपको साथ में मिलेगा। सब न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है एंड बेस्ट प्रॉपर्टी है आपके लिए जोधपुर में, अगर आप एक डिसेंट बजट घर देख रहे हैं तो। आइए हॉल में फिर से चलते हैं। ये हॉल का खूबसूरत सैंडलियर और ग्लास वर्क बहुत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाता है। अगर आपको ये जगह रेंट करनी हो तो कांटेक्ट करें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सपोर्ट करो डिज़ाइन बाय रेंट को। वन मैन शो है, और आगे ऐसे और एपिसोड्स देखने के लिए थोड़ा मोटिवेशन लगता है तो सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू डिज़ाइन बाय रेंट।